हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, कि विपिन बाबू को कल हमने पढ़ा कि उनके बाएं घुटने में चोट का निशान था, जिसे वो ये स्मरण नहीं कर पाए कि उन्हें यह घुटने में चोट कब लगी थी। उन्हें अलग अलग तरीक़ों से याद दिलाया जाता है कि वे रांची गए थे, लेकिन वे इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं थे। तब विपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में विचार किया, जो कि उस समय उनसे मिले थे, और उस आदमी ने उन्हें बताया कि उस समय जो दिनेश मुखर्जी थे वे भी रांची में थे। इसलिए जो विपिन बाबू थे उन्होंने दिनेश मुखर्जी से बात करने का निश्चय किया, लेकिन फिर तभी उन्हें याद आया कि अगर वो इस बारे में उनसे बातें करेंगे तो वे उसे पागल समझेंगे और ऐसा पूछना हास्यप्रद भी हो सकता है। और वह जानते था कि दिनेश का ताना कितना दुष्टतापूर्ण हो सकता था। इस प्रकार की बातें सोचने के बाद विपिन बाबू दिनेश चौधरी से मिलने का विचार त्याग देते हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं बच्चों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम विपिन बाबू फेल्ट एज अगेन सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गैदरिंग इन टू पीपुल्स हेयर। स्वीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, अपने वातानुकूलित कमरे में शीतल पेय पदार्थ की चुस्की लेते हुए। कोल्ड ड्रिंक होता है शीतल पेय पदार्थ, एयर कंडीशनर होता है वातानुकूलित, और अपने वातानुकूलित कमरे में शीतल पेय पदार्थ की चुस्की लेते हुए विपिन बाबू एज अगेंस ए न्यूसेंस, उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ। कितनी बकवास है, और उन्होंने क्या कहा, सच ए न्यूसेंस, कितनी बकवास है। जस्ट बिकॉज मात्र इसलिए दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। ए जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू पीपुल्स हेयर, गेट इन टू अदर पीपुल्स हेयर, वे केवल दूसरे लोगों से बकवास करते रहते हैं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपुल्स हेयर, वे केवल दूसरे लोगों से। विपिन बाबू ने क्या कहा कि मात्र इसलिए कि उनके पास कुछ करने, ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, और वे केवल दूसरे लोगों से बकवास करते रहते हैं। आफ्टर डिनर रात्रि भोज के बाद स्नैगलिंग इन हिज बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, एक नए रोमांचक नाटक के साथ, न्यू थ्रिलर्स होता है, एक नए रोमांचक नाटक के साथ, स्नैगलिंग इन हिज बेड, आराम से बिस्तर पर चिपके हुए विपिन बाबू ने क्या, रात्रि भोज के बाद एक नए रोमांचक नाटक के साथ आराम से बिस्तर पर लेटे हुए विपिन बाबू क्या सोच रहे थे। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, उस आदमी से मिले थे, नए बाजार में मिले उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ भूल गए। और जब रात्रि के भोजन के बाद एक नए रोमांचक नाटक के साथ वो अपने बिस्तर पर आराम से चिपके हुए थे, और जो व्यक्ति उन्हें नए मार्केट में मिला था उसके बारे में वो सब कुछ भूल गए। आगे देखिए नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस में, अगले दिन दफ्तर में, विपिन बाबू ने महसूस किया कि विद एवरी पासिंग आवर, कि प्रत्येक घंटे वह पासिंग आवर, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। देखिए नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस, अपने दफ्तर में, विपिन बाबू ने महसूस किया कि प्रत्येक घंटे वह पूर्व दिवस की जो मुलाकात थी, दैट विद एवरी पासिंग आवर, प्रत्येक घंटे पूर्व, द प्रीवियस डे पिछले दिन, प्रत्येक घंटे वह पूर्व दिवस की मुलाकात उनके मस्तिष्क को और अधिक घेरती जा रही थी।
ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर माने और ज़्यादा अधिक घेरते हुए जा रही थी ऑफ हिज माइंड माने उनके मस्तिष्क। ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है घेरना, ऑक्यूपाइंग होता है घेरना। और तो उन्होंने महसूस किया कि जो पूर्व दिवस की मुलाकात थी वह प्रति घंटे उनके मस्तिष्क को और अधिक घेरती जा रही थी। इफ द मैन न्यू ए सच न्यू सो मच इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर मैं व्यक्ति विपिन बाबू के विषय में इतना अधिक जानता था, इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर मैं व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रेन, तो वे रांची की यात्रा के विषय में गलती कैसे कर सकते हैं। यानी कि विपिन बाबू ने सोचा कि अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो फिर जो मेरी रांची वाली यात्रा थी उसके बारे में गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। जस्ट बिफोर लंच दोपहर के भोजन के ठीक पहले, जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। डिसाइड होता है निश्चय करना, फैसला किया। तो दोपहर के भोजन के ठीक पूर्व विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, फोन पर इस प्रश्न को हल करना बेहतर रहेगा। क्या कहा? इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, इस प्रश्न को फोन पर हल करना बेहतर रहेगा। कम से कम एट लीस्ट माने कम से कम द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस, कि जो उनकी परेशान सूरत तो नहीं देखनी पड़ी। एम्ब्रेसमेंट होता है परेशानी। तो उसने क्या कहा कि फोन पर इस प्रश्न को हल करना बेहतर होगा, कम से कम जो उसकी परेशान सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी, ऐसा विपिन चौधरी ने सोचा। 2 3 5 6 1 6 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, 2 3 5 6 1 6 विपिन बाबू ने नंबर मिलाया। हेलो, और क्या कहा? हेलो, इज दैट दिनेश, क्या आप दिनेश हैं? दिस इज़ विपिन हियर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, अच्छा अच्छा, व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार है? क्या कहा कि व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं यह पता करना चाहता था, इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं यह पता करना चाहता था कि क्या आपको 1958 में घटित हुई कोई घटना स्मरण है। उसने जो विपिन बाबू थे उन्होंने दिनेश मुखर्जी के पास फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि मैं यह पता करना चाहता था कि क्या आपको 58 में घटित हुई कोई घटना स्मरण है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ऐसा विपिन बाबू ने कहा। आगे देखिए, आगे देखिए 58 वाट इंसिडेंट, 58 कौन सी घटना, 58 वाट इंसिडेंट कौन सी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रोट थ्रू दैट ईयर, द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। क्या कहा? 58 कौन सी घटना, क्या आप उस साल कलकत्ता में थे? वर यू इन कलकत्ता राइट द थ्रू दैट ईयर, क्या आप उस वर्ष कलकत्ता, यानी कि होता है कलकत्ता, क्या आप उस वर्ष कलकत्ता में थे? दैट ईयर, उस वर्ष, दैट्स द फर्स्ट थिंग इफ दैट आई हैव गॉट टू नो, यही वह चीज़ है जो मुझे समझनी है। क्या आप उस समय कलकत्ता में थी, यानी कि 58 की कौन सी घटना, क्या आप, यही वह चीज़ है जो मुझे समझनी है। वेट जस्ट ए मिनट, एक मिनट ठहरो, 58 जस्ट लेट मी चेक माई डायरी, एक मिनट ठहरो, 58 मुझे अपनी डायरी देखने दो, लेट माई डायरी, मुझे अपनी डायरी देखने दो। फॉर ए मोमेंट देयर वाज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ शांति रही। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ शांति रही। विपिन बाबू कुड फील दैट इज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू महसूस कर रहे थे कि उनके धड़कड़े, उनकी जो हार्ट बीट थी, धड़कने बढ़ गई थी। ही वाज स्वीटिंग,
ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और उन्हें थोड़ा पसीना भी आया. स्वेटिंग स्वेट होता है पसीना. ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल और उन्हें थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था. तो बच्चों इस प्रकार से आज हमारा ये पैसेज कंप्लीट हुआ. कल हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक्स.